बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट्स। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैंसल वीज़ों पर 17 नवंबर से पहले मुल्क वापस जाने पर कोई जुर्माना आयद ना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैंसल वीज़ों पर 17 नवंबर से पहले मुल्क वापस जाने पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में आम कानून है कि वीज़ा कैंसल होने के बाद 30 दिनों के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात से जाने पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाता, मगर जब कंपनी वीज़ा कैंसिल करे और रकम अदायगी में तख़ीर करे और 30 दिन गुजर जाएं तो फिर इस वक्त भी वर्कर्स पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले कैंसिल किया जाए तो वर्कर्स या नया वीज़ा लगवा सकता है या फिर टिकट लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात से 30 दिनों के अंदर निकल सकता है। अगर वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद वीज़ा कैंसिल किया जाए तो 30 दिनों के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात से निकल जाना चाहिए, जिसके बाद जुर्माने का इतलाक़ होगा। अगर वीज़ा कैंसिल करने के बाद 30 दिनों के अंदर कंपनी के ज़िम्मे रकम की अदायगी मुमकिन ना बनाई जाए या फिर टिकट में तख़ीर से काम लिया जाए तो वर्कर्स पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और जुर्माना कंपनी को अदा करना पड़ेगा। वफाकी इमिग्रेशन कानून के आर्टिकल 21 के मुताबिक अगर वर्कर का वीज़ा ख़त्म हो चुका है और 30 दिनों के अंदर तजदीद ना की जाए तो दिन गुजरने के बाद यौमिया 100 दिरहम जुर्माना अदा करना होगा। अगर जून में वीज़ा ख़त्म हुआ हो और 30 दिनों के अंदर कैंसिल ना किया जाए तो जुर्माने का तलाक होगा, जिससे बचने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी के ख़िलाफ़ बकाया जात की अदम अदायगी और वीज़ा ना कैंसिल करने की कंप्लेंट की जाए। अगर कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की जा चुकी है कि काम से फारिग करने के बाद 1 महीने तक कंपनी ने ना वीज़ा कैंसिल किया और ना ही बकाया जात अदा किए तो जुर्माना कंपनी को अदा करना होगा, जो के एक्ट नंबर 2006/707 की आर्टिकल के 11 के मुताबिक है। अगर वीज़ा कैंसिल होने के बाद वर्कर मुत्तहिदा अरब अमारात से निकल जाने का इरादा कर चुके हैं और इस वास्ते टिकट लेने का बंदोबस्त शुरू किया हुआ हो और 30 दिन गुजर जाने तक जाएँ तब भी वर्कर्स पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, मगर कोविड-19 की वजह से अगस्त 17 के फैसले की रोशनी में 17 नवंबर तक कैंसिल वीज़े पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। ये थी अपडेट्स। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।